सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूएई में मिड डे वर्क के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी गर्मी का टाइम चल रहा है और गल्फ देशों में गर्मी का प्रकोप कुछ ज़्यादा ऊंचे स्तर पे है। वैसे गर्मी तो इंडिया में भी है, लेकिन यहाँ के वर्करों के लिए यहाँ की गवर्नमेंट कुछ छूट देती है, चाहे वो काम में हो चाहे वो ब्रेक में हो। और खासकर ये ध्यान दिया जाता है कि किसी भी वर्कर को कड़ी धूप में काम ना करना पड़े और डायरेक्ट सनलाइट से उसे बचाया जा सके ताकि उसकी तबीयत खराब ना हो। क्या है पूरी खबर हम बता देने। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीते पिछले 15 जून से ये नियम लागू कर दिया गया है। इस नियम के आधार पे यहाँ की जो गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ इमरटाइजेशन की तरफ से ये चीज कही गई है कि कोई भी बंदा 12:30 बजे से 3 बजे के बीच में डायरेक्ट सनलाइट में काम नहीं करेगा। और इस चीज का ध्यान उस नियोक्ता को रखना होगा, उस फोरमैन को रखना होगा, उस कामगार करवाने वाले को रखना होगा जो उनसे काम ले रहा है। ये नहीं कि उनसे जोर जबरदस्ती करा के उनसे काम कराया जाए, और यानी वो मजबूरी में तो कोई भी करेगा क्योंकि उसे तो पैसे चाहिए, और या फिर कोई लालच दिया जाए उनको कि अगर आप इस बीच में अगर आप काम करेंगे तो आपको ये पैसा मिलेगा। ऐसा करता हुआ अगर कोई भी नियोक्ता कोई भी कामगार पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर अच्छा खासा फाइन दे दिया जाए। अधिकारियों का ये मानना और ये कहना है कि कोई भी नियोक्ता किसी भी कामगार से 8 घंटे लगातार काम नहीं करा सकता। अगर कोई भी नियोक्ता प्रेशराइज करता है, लालच देता है किसी भी तरीके का, तो ये कामगार को अधिकार है। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे एक नंबर आपको शो कर दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप शिकायत कर सकते हैं जिसकी वजह से उस नियोक्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और आपको डायरेक्ट इतनी देर काम नहीं करना होगा। जो नियम है उस नियम के आधार पे ही काम करना होगा, यानी कि 12:30 बजे से लगा के 3 बजे के बीच में आपको डायरेक्ट सनलाइट में काम नहीं करना, क्योंकि उस बीच में गर्मी का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है, समझ रहे हैं। तो इसकी वजह से ये कानून लागू हुआ है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि कोई भी वर्कर भाई अगर रहता है गल्फ में यूएई में तो उसे इसके बारे में पता चल सके, अपने अधिकारियों के बारे में जान सके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।